Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पेकर कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है कि अगले चंद घंटे आपके रिलेशनशिप के लिए किस तरह के होंगे. नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पार्टनर क्या सोचने वाले हैं इस रिलेशनशिप के लिए, क्या वो कहना चाहेंगे आपसे, कनेक्ट करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे, वो सब हम जानेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए. पाइल सिलेक्शन के लिए दो ऑप्शन है, सेपरेटेड एंड नॉन सेपरेटेड का. सेपरेटेड में वो लोग भी चेक करेंगे जो इन आउट की सिचुएशन में है, और नॉन सेपरेटेड वाले वो लोग हैं जो एक रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी उन्हें रिलेशनशिप को लेकर बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारे डाउट्स हैं मन में. ठीक है, इस तरह के रिलेशनशिप वाले नॉन सेपरेटेड वाली पाइल को देखेंगे. तो सेपरेटेड इज पाइल नंबर वन, नॉन सेपरेटेड इज पाइल नंबर टू. तो देखते हैं जिन्होंने सेपरेटेड पाइल चूज की है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए किस तरह के होंगे, किस तरह का ये रिलेशनशिप रहने वाला है, किस तरह से आपके पार्टनर चीजों को लेकर सोचने वाले हैं. देखते हैं, अलग अलग डेक से चेक करेंगे. ठीक है, तो लेट्स सी जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज किया है, लेट्स सी डिवाइन हेल्प करेंगे हमारी आपके पार्टनर की मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए. ओके, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर द ग्रीन मैन का कार्ड है, द क्रोन का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. ओके, सो सबसे पहले तो मैं इन फीलिंग्स को डिस्कस करना चाहूंगी आपसे. अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर क्या फील करने वाले हैं, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. द ग्रीन मैन का कार्ड है, आपके पार्टनर आपको और खुद को लेकर काफी पॉजिटिव रहने वाले हैं अगले कुछ घंटों में. वो एक ऐसा टाइम पीरियड आपके साथ देखना चाहते हैं, या मैं कहूंगी कि जीना चाहते हैं, जहां पर वो अपने फीलिंग्स को कंप्लीटली आपके सामने रख पाए. ठीक है, आपके पार्टनर कुछ पुरानी बातों को भी याद करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं. आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग, एक फर्म फाउंडेशन भी चाहते हैं. आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाहते हैं अगले चंद घंटों में, इस तरह के उनके थॉट प्रोसेस होने वाले हैं. ठीक है, यहाँ पर द क्रोन का कार्ड है, ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ, बहुत ही ज्यादा मेच्योरिटी के साथ इन सिचुएशन से डील करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर एक और जो मुझे यहाँ पर खासियत नजर आ रही है वो ये है कि आपके पार्टनर अंदर से एक इनफाइनाइट स्ट्रेंथ हासिल करके आगे की तरफ को बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करने वाले हैं. ठीक है, आपके पार्टनर की जो सिचुएशन है वो इस टाइम पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वो अपने आप में इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करना चाहते हैं. वो स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आ रही है, वो मैच्योरिटी उनमें नजर आ रही है, वो अपनी स्ट्रेंथ लगा के, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को लगा के इस रिलेशनशिप को कुछ हद तक ठीक करना चाहते हैं. ये एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली नजर आ रही है. यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी आप दोनों के केस में है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी तो है आप में. ठीक है, जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इस थर्ड पार्टी के साथ एक ऐसा बिहेव शो करने वाले हैं कि उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया आपके पार्टनर ने. ठीक है, बहुत ही फ्लर्ट वाले नेचर में आपके पार्टनर आने वाले हैं. वो इस थर्ड पार्टी को ये दिखाना चाहते हैं कि अब उन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है. आपके पार्टनर आपकी तरफ को मूव करेंगे अगले कुछ घंटों में, इसके लिए आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कोई इंडिकेशन नहीं देने वाले. ठीक है, इस थर्ड पार्टी के साथ वो
एक ऐसा एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर ऐसा लगेगा इस थर्ड पार्टी को कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के लिए सही नहीं है, ये आपके पार्टनर क्रिएट करने वाले हैं। ओके, इस तरह की यहाँ पर एनर्जी डेफिनेटली नजर आ रही है। यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर जिस सिचुएशन में स्टक है उस सिचुएशन से इरिटेट हो गए हैं, वो चीजों को संभालना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं, आपके पार्टनर प्लान कर रहे हैं, आपके पार्टनर को ये बात का एहसास हो रहा है कि जो लोग उनके आसपास हैं, जो माहौल उनके आसपास है, उसकी वजह से वो आपकी तरफ को नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगले चंद घंटों में आपके पार्टनर कुछ इफेक्टिव करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, वो चीज चाहे आप तक ना आए लेकिन वो इस रिश्ते के प्रति कुछ ना कुछ स्टैंड जरूर लेंगे। यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके पार्टनर को अगले चंद घंटों में इस बात का एहसास होने वाला है कि ये जो थर्ड पार्टी है, और यहाँ पर जो ये थर्ड पार्टी है ये जनरली ऐसी थर्ड पार्टी नजर आ रही है जो कि घर से रिलेटेड कोई थर्ड पार्टी है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि मैम ये थर्ड पार्टी क्या, थर्ड पार्टी वो सिचुएशन होती है या वो पर्सन होता है जिसकी वजह से आप दोनों दूर हैं, ठीक है, और यहाँ पर घर का कोई ऐसा पर्सन मुझे नजर आ रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में कोई और है, तो जो इसके अलावा घर वालों के अलावा अगर आप किसी थर्ड पार्टी को यहाँ पर समझ पा रहे हैं, तो वो थर्ड पार्टी अब आपके पार्टनर के इतने करीब हो गई है कि या तो फ्रेंड जोन इतना ज्यादा अच्छा हो गया है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि उस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर कोई कमिटमेंट दे चुके हैं, बिकॉज ये जो थर्ड पार्टी है घर की ही थर्ड पार्टी नजर आ रही है। और अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ एक खिंचाव वाला बॉन्ड एक्सपीरियंस करने वाले हैं, और जहां पर इनका बॉन्ड इस तरह का क्रिएट होगा वहां पर आपका बॉन्ड स्ट्रांग होता हुआ तो डेफिनेट है ही है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में, एक हेल्दी रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत मेच्योरिटी के साथ देखते हैं, आपके पार्टनर अगले कुछ घंटों में आपकी बहुत अच्छी अच्छी करेक्टरिस्टिक्स को याद करने वाले हैं, आपके जो प्यार है ना वो उन्हें आपकी तरफ को खींच रहा है। ये अगले चंद घंटों की कुछ एनर्जी है जहां पर आपके पार्टनर के स्टैंड लेने के यहाँ पर पूरे चांसेस बन रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि मैं किसी एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी, तो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं, तो मैं यहाँ पर आपके किसी एक क्वेश्चन का जवाब तो डेफिनेटली दूंगी, ठीक है। और आप लोगों की जो जॉडिक साइन की रीडिंग है वो साथ साथ में आती जाएगी, मैंने लाइनअप कर ली है, जिस तरह से आपने रिक्वेस्ट की है उस तरह से रीडिंग्स मैं डालूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपकी एडवाइस मेरे लिए बहुत मैटर करती है, ठीक है। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, इतने लंबे क्वेश्चन आप प्लीज मत पूछिए, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर मैं डिटेल रीडिंग नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है राधा सिंह का, ठीक है, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि उनका ब्रेकअप हुआ था और रिसेंटली उनके पार्टनर ने उनसे बात करना शुरू किया है और फिर से बात बंद हो गई है, तो ये ऑन ऑफ कब तक चलेगा, ये चीज राधा जी आपने मुझसे पूछी है। सबसे पहले तो ये मैं आपके नाम से ही चेक करूंगी, द रीजन इज दैट आपने अपने पार्टनर का नाम नहीं पूछा है, लेकिन आपका ये जो आपने मुझसे कमेंट में क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन बार बार दिमाग में क्लिक कर रहा था, तो आई टुक योर क्वेश्चन टुडे, ठीक है। आप भी अपने क्वेश्चन पूछिए, एक क्वेश्चन का जवाब मैं हर रीडिंग में दूंगी, डोंट वरी, ओके। तो क्वेश्चन पूछते रहिएगा। तो राधा जी यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड है, ओके, ट्रायम्फ का कार्ड है, होप का कार्ड है। तो राधा सिंह आपने ये क्वेश्चन पूछा था मुझसे, मुझे ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल में आप इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, ठीक है। आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप चीजों को ऐसे लेकर चल रहे हैं जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, इस अक्टूबर के लास्ट में आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं आपके साथ, ठीक है। ये ऑन ऑफ की सिचुएशन खत्म हो जाएगी, अभी आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप से आपको होप नहीं हारनी है, आपका ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल एनर्जीज की तरफ को बढ़ेगा और ये अक्टूबर के लास्ट में मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। अपने शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चंस पूछिए,
डेफिनेटली मैं आंसर दूंगी. तो अभी हमने ये एनर्जी निकाली हुई थी, तो इसके ऊपर हम एनर्जी चेक करते हैं और अगले चंद घंटों में क्या होने जा रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके पार्टनर के अंदर क्या चेंजेस हैं. ठीक है, तो यहाँ पर लेजीनेस का कार्ड है. ओके, एक और कार्ड द क्रोन के ऊपर क्रिएटिविटी का कार्ड है, एडवेंचर का कार्ड है, द लवर्स, वाओ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स के लिए इनर वॉइस का कार्ड है, एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर पेशेंस का कार्ड है. ठीक है, अभी तक क्या कर रहे थे आपके पार्टनर, आपके पार्टनर चीजों को डिले कर रहे थे, चीजों को पोस्टपोन कर रहे थे, आपके पार्टनर चीजों के ऊपर उतना फोकस नहीं कर रहे थे. अभी कुछ घंटों में आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत कुछ फोकस करने वाले हैं, वो काफी क्रिएटिव होने जा रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए. आप ये सोच रहे हैं आपके पार्टनर कुछ नहीं करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप में कोई एफर्ट नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर अपने लेवल पर इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा काम करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं. आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को अब एक एडवेंचर की तरह देखते हैं, उन्हें शायद ऐसा कुछ फील हो रहा है कि आप और आपके पार्टनर कुछ एक अलग टाइप की जर्नी में हैं. आपके पार्टनर आपको लेकर अब काफी पॉजिटिव वाइब्स रखने वाले हैं अगले कुछ घंटे. आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा इस रिलेशनशिप के प्रति इस तरह से रहने वाले हैं कि किस तरह से वो आप तक पहुंचे, उनकी ये जो लेजीनेस की एनर्जी है वो गायब होती हुई नजर आ रही है. आपके पार्टनर आपको बे इंतहा मोहब्बत करते हैं, इस चीज की रियलाइजेशन अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर को होने वाली है. द लवर्स का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है. आपके पार्टनर आपके साथ शायद किसी चक्रा के थ्रू भी लिंक करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं. आपके पार्टनर काफी ज्यादा अपने दिल की सुनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं. आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे आपकी तरफ को प्रोग्रेस करते हुए वो भी बहुत ही ज्यादा एंथुसियाज्म के साथ वो नजर आ रहे हैं. यहाँ पर इनर वॉइस का कारण है, इस थर्ड पार्टी के प्रति जो कुछ भी आप लोगों की लाइफ के अंदर हो रहा है, ठीक है, उस चीज को लेकर आपके पार्टनर की इंट्यूशन उन्हें बहुत ज्यादा बताने वाली है. ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है, ये थर्ड पार्टी क्यों कर रही है, इस चीज के जवाब आपको नहीं आपके पार्टनर को यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं. तो जो लोग सेपरेटेड कंडीशन में है, यहाँ पर मुझे अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मूवमेंट नजर आ रही है इस रिलेशनशिप के प्रति. मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके पार्टनर आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेंगे, लेकिन इस थर्ड पार्टी के सामने कुछ स्टैंड लेते हुए आपके पार्टनर यहाँ पर डेफिनेट नजर आ रहे हैं. यहां पर पेशेंस का कार्ड है, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत अब पेशेंस के साथ चलेंगे और आपको भी यहां पर पेशेंस थोड़ा सा रखने की जरूरत है. मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत लंबे टाइम आपको वेट करने की जरूरत पड़ेगी. द रीजन इज दैट यहां पर जब आपके पार्टनर ही इतना ज्यादा एक्टिवेट हो गए हैं, वो इस रिलेशनशिप को समझ पा रहे हैं, उन्हें समझ आ रहा है कि आप दोनों के बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको आपके पार्टनर को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए. यहाँ पर अभी तक आपने वक्त दिया क्योंकि आपके पार्टनर सिचुएशंस को समझ ही नहीं रहे थे. अब आपको वक्त जो देने की जरूरत है वो ये है कि वो एक्शन ले रहे हैं, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए. डेफिनेटली कुछ अच्छा यहाँ पर हो सकता है, जिसके चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं. एक थर्ड पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर क्या गलत कर रहा है, अगर इस चीज की रियलाइजेशन हो जाती है तो डेफिनेटली मुझे ये चीज समझ आ रही है कि चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी. अपने पार्टनर को थोड़ा सा वक्त दीजिए, ठीक है. सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया, सेपरेटेड चूज किया, उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो. नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी है. वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा. हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो. अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं. ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे. जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो अब चेक करते हैं नॉन सेपरेटेड लोगों के लिए, आपके पार्टनर अगले कुछ घंटों में इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचने वाले हैं, आपके पार्टनर अगले चंद घंटों में इस रिलेशनशिप को लेकर क्या स्टेप्स ले सकते हैं अगले कुछ घंटे इस रिलेशनशिप के लिए, लेट्स सी दैट. ओके, तो नॉन सेपरेटेड पीपल, लेट्स सी. थ्री ऑफ वॉन्ट्स, ओके,
व्हाट एल्स? किंग ऑफ कैलिसेस का कार्ड है. व्हाट एल्स? फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. द लॉर्ड ऑफ शैडोज का कार्ड है. एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सेवन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है. सो लेट्स सी विद दिस डेक ऑल्सो. एनर्जी चेक करेंगे इस डेक से भी. थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्या एनर्जी है? टोटालिटी की एनर्जी है. जैसे कि मैंने बताया कि हर एक वीडियो के अंदर मैं एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी, तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है. लेकिन किसी एक का ही आंसर दूंगी. आपको पूरी वीडियो देखनी होगी कि किस पॉइंट पर मैंने आंसर किया है, तो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा जिसका भी क्वेश्चन मैं चूज करूंगी. ओके. एंड बॉटम ऑफ द डेक पर थंडरबोल्ट का कार्ड है. जो लोग नॉन सेपरेटेड हैं, अभी कंप्लीटली सेपरेशन में नहीं है, डेफिनेटली एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ टाइम, मतलब कुछ घंटे जो अगले आपके रिलेशनशिप के लिए होने वाले हैं, वो थोड़े से टिपिकल होने जा रहे हैं. उसका रीजन ये है, आपके पार्टनर फ्यूचर के बारे में सोचने वाले हैं, अपने लेवल पर सोचने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर इतने ज्यादा, मैं कहूंगी कि एक्यूरेट नहीं है. वो इस रिलेशनशिप को लेकर ज्यादा सोच रहे हैं. आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ ज्यादा खास पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं. वो इंडिविजुअल लेवल पर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं. आपके पार्टनर पुरानी बातों में अटके हुए हैं. आपके पार्टनर जब भी इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ भी पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई ऐसी इंटरफेरेंस होती है. थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, करियर की कोई इंटरफेरेंस है, जहां पर आपके पार्टनर को आपकी पुरानी बातें याद आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बीच में अटक जाएंगे. अगले कुछ घंटों में भी यही होने वाला है. आपके पार्टनर पॉजिटिव सोचेंगे इस रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन फिर उन्हें कोई ना कोई पुरानी बात ऐसी याद आ जाएगी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर फिर बीच में ही अटक जाएंगे और इस रिलेशनशिप के प्रति कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है. ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको प्यार नहीं करते हैं, इस बात को समझ लीजिए. द रीजन इज दैट यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और प्रोजेक्शंस का कार्ड है. आपके पार्टनर के अंदर जब भी चेंजेस आते हैं, आपको बिल्कुल करेक्टली पता लग जाता है कि आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं. आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं. उनकी आत्मा आपके बारे में क्या सोचती है, आप इस बात को जानेंगे. अगले कुछ घंटों में भी आपके पार्टनर आप तक कोई ना कोई मैसेज ऐसा जरूर कन्वे करेंगे जो वो अपनी जुबान से नहीं कहेंगे, लेकिन आपको जरूर पता लगेगा कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे बहुत प्यार करते हैं. लेकिन आप उनके इस बिहेवियर को समझ नहीं पाएंगे कि एक जगह पर तो आपके पार्टनर बिल्कुल ही आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर वो इस रिलेशनशिप के प्रति कोई एफर्ट नहीं देना चाहते हैं, और एक साइड पर आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा आपको लेकर मतलब केयरिंग, आपको लेकर कॉन्शियस, ऐसी चीजें भी नजर आ रही हैं. आपके पार्टनर का ये जो मिक्स्ड बिहेवियर है, आपको समझ तब आएगा जब आप उनके पर्सपेक्टिव से चीजों को देखेंगे. अब उनके पर्सपेक्टिव से क्या हो रहा है, आपके रिलेशनशिप पर किसी की नजर अटकी हुई है, ठीक है. किसी इंसान को आपका ये रिलेशनशिप पसंद नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बेसिकली प्रॉब्लम्स हो रही हैं. आपके पार्टनर दिल से आपसे प्यार करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि आप उनकी मिरर इमेज हैं. आपके पार्टनर अगले भी कुछ घंटों में यही सारी चीजें सोचने वाले हैं. आप भी एक बात को कॉन्शियसली जानते हैं, और यहाँ पर आपके पार्टनर के बिहेवियर से भी आपको कहीं ना कहीं लगता होगा आपके पार्टनर आपको लेकर इमोशनल है, ठीक है. कॉन्शियसली वो आपसे बहुत प्यार करते हैं. उनकी इंट्यूशन ये बात बोलती है कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर आपको कुछ अथॉरिटेटिव वाला भी अपना कोई रूप दिखाने वाले हैं. तो उनके इस रूप के ऊपर रिलाय मत कीजिएगा, ये चीज मैं आपको कहना चाहूंगी. अगर आप बहुत ज्यादा अपने पार्टनर के इसी रूप के ऊपर रिलाय करेंगे, आप ये सोचने वाले हैं कि आपके पार्टनर तो आपसे प्यार ही नहीं करते हैं, आपके पार्टनर आपको मिसट्रीट कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने इस रिलेशनशिप को हार जाएंगे. बिकॉज अभी तो थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस हो रही है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, और अगले कुछ घंटों में इसकी शुरुआत होती हुई भी मुझे नजर आ रही है. यहाँ पर क्या है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है विद रिसेप्टिविटी का कार्ड है. आपके पार्टनर बोलेंगे किसी डायरेक्शन में, आप समझेंगे किसी डायरेक्शन में, या
आप किसी डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, आपके पार्टनर किसी डायरेक्शन में समझ रहे हैं, यहाँ पर आप दोनों की एक दूसरे को लेकर रिसेप्टिविटी चेंज हो रही है, आप एक दूसरे को परसीव नहीं कर पा रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को उस लेवल पर समझ नहीं पा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी अगले कुछ घंटों के लिए मुझे नजर आ रही है। तो आई वुड रियली से अगर आपको अपने पार्टनर का कोई एक्शन समझ नहीं आता है, आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन जोन में है, तो डेफिनेटली अपने पार्टनर के साथ बात करने की कोशिश कीजिएगा और अगले कुछ घंटों में ऐसी मुसीबत मत आने दीजिएगा कि जहां पर आप दोनों का कम्युनिकेशन ही बंद हो जाए, बिकॉज इस चीज के आसार यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आप दोनों के बीच में इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाला है कि आप दोनों के बीच में चीजें उलझ सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने जो रिलेशनशिप को आप इस टावर मूवमेंट पर मत लेकर आइए, जबकि ये टावर मूवमेंट का ही कार्ड है। आपको ऐसा लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे और अचानक से किसी और पर्सन के इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों इस टावर से नीचे गिर गए हैं, इस तरह की एनर्जीज आपको फील होंगी। आपको ऐसा लगेगा अब इस रिलेशनशिप के अंदर कुछ भी एफर्ट डाल के कोई फायदा नहीं है, मतलब इमोशनली आपके पार्टनर आपको नहीं समझ रहे हैं, आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं, इस तरह की एनर्जीज कुछ घंटों के लिए आप महसूस करने वाले हैं। तो जब हमें पता है कि कुछ एनर्जीज इस तरह की होने जा रही हैं, तो आई वुड रियली से कि अपने पार्टनर के साथ बहस करने से अच्छे आप उनके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कीजिए। अब आप मुझसे ये कहेंगे कि मैम हम ही उन्हें समझने की कोशिश क्यों करें, एक्चुअल बात क्या है, आप अगर टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इन चीजों को लेकर अवेकन है। तो आई वुड रियली से कि आपके अगर एफर्ट से आपका रिलेशनशिप बचता है तो आपको बचा लेना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको गलत समझते हैं, वो कोई और पर्सन है जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर खुश नहीं है, कोई ऐसी लेडी भी हो सकती है, लेडी फिगर हो सकती है, और कोई ऐसा पर्सन है जिसको ये रिलेशनशिप खटक रहा है और इस वजह से आप ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो आपके रिलेशनशिप में कोई जहर घोलने की कोशिश कर रहा है, अगले चंद घंटों की एनर्जी इस तरह की है। अब ये जहर बातों के टर्म्स में होगा, एनर्जी की टर्म्स में होगा, ये तो हर एक केस में इंडिविजुअली ही पता लगेगा, लेकिन आपको इन चीज़ों को लेकर कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। अगर आप चीज़ों को बहुत लाइटली लेंगे तो आई थिंक ये रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा। तो आपको चीज़ों को उस तरह से लाइटली नहीं लेना है। आपके पार्टनर अगर आपसे कोई पुरानी बात करते हैं अगले कुछ घंटों में, या वो आपसे ये कहने की कोशिश करते हैं कि आपने उस टाइम पर ऐसा किया था, तो आप अगर झुक जाते हैं उनके सामने या सॉरी कह देते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई नुकसान है। इंस्पाइट एक बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहां पर जो भी आपके पार्टनर अजीब अजीब सा बिहेवियर करने वाले हैं, वो किसी के बहकावे में आकर यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगले चंद घंटे आपके रिलेशनशिप के लिए काफी क्रूशियल यहां पर नजर आ रहे हैं, तो इन चीजों से बचने की जरूरत है। अगर आप इन चीजों से नहीं बचेंगे, आपका रिलेशनशिप एक टावर मोमेंट को एक्सपीरियंस करेगा, जहां पर आपको चीजों को लेकर बाद में शायद संभलने का मौका नहीं मिलेगा। सो, यहाँ पर एक चीज और है, द लॉर्ड ऑफ शैडोज के ऊपर मैं गाइडेंस लेने की कोशिश करती हूँ कि और क्या है ये जो पर्सन भड़काने की कोशिश कर रहा है, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। एट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर बिल्कुल बन जाएंगे, आपको ऐसा फील होगा कि आपके पार्टनर तो बहुत अजीब रिएक्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर के अंदर इस तरह से चेंजेस आ जाएंगे कि वो तो अपनी डायरेक्शन चेंज करने की बात करेंगे, वो आपसे ये चीजें कहने की बात करेंगे कि वो तो ये रिलेशनशिप ही नहीं निभाना चाहते, इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर एंटर करने वाले हैं। इसके ऊपर गाइडेंस ली है मैंने, किसी पर्टिकुलर इंसान की नजर है आपके इस रिलेशनशिप पे, अपने इस रिलेशनशिप को बचाइए। अगर आप अपने इस रिलेशनशिप को नहीं बचाएंगे तो चीजें आपके लिए वर्स्ट हो जाएंगी। तो अगले कुछ घंटे आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, अपना एफर्ट डालिए। आपको पहले से अवेयरनेस हो रही है इस रिलेशनशिप को लेकर, तो प्लीज अपने रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। डरने की बात नहीं है, हर एक रिलेशनशिप में ऊपर नीचे कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर का बिहेवियर चेंज हो रहा है तो उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है तो आप मेरे साथ अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर के लिए हीलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। आप मुझे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे।
आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you soon.